हेलो बच्चों, आज हम अपने घर में और हम देखेंगे कि घर में मिलने वाली चीज़ें वो असल में एसिडिक होती हैं या फिर बेसिक होती हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हुई हैं। तो देखिए, ये है एक पीएच पेपर, ये इस कलर का है, येलो कलर का। और इसके जो फ्रंट जो पहला पेज है उसमें कुछ कलर्स बने हुए हैं और कलर्स के साथ साथ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ पहले कि इसमें नंबर लिखा हुआ है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 12, 14। देखिए, इसमें जो शुरू में ऊपर सबसे ऊपर लिखा है 1, नंबर 1, उसमें रेड कलर है, और 7 है बीच में, लाइट ग्रीन कलर है, और सबसे नीचे है वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, जो 40 नंबर लिखा हुआ है। तो आपको पता होगा जो पीएच स्केल होता है वो 1 से लेकर 14 तक का स्केल होता है, यानी पीएच पैमाना जो है वो 1 से लेकर 14 तक का होता है। उसमें 1 से लेकर जो 6 तक के नंबर होते हैं वो एसिड के लिए होते हैं, और 8 to 14 जो नंबर्स होते हैं 8 से लेकर 14 तक के नंबर वो क्षार यानी बेस के लिए होते हैं, और जो 7 नंबर होता है या 6 या 7 या फिर 8 उसके 7 के आसपास वो सॉल्ट के लिए होते हैं, क्योंकि ना तो वो एसिड होते हैं ना वो बेस होते हैं ना वो अम्ल होते हैं ना वो क्षार होते हैं, लवण कहलाते हैं। तो हम देखेंगे कि कलर के हिसाब से कि किसको क्या नंबर मिलता है और उसका पीएच वैल्यू क्या है। अगर पीएच वैल्यू पता लग जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि ये एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो हम देखते हैं। मेरे पास देखिए कुछ कुछ चीज़ें मैं लाया हूँ। जैसे सबसे पहले मैं लाया हूँ ये नींबू, घरों में मिलता है, तो देखते हैं नींबू में कौन सा चीज़ है, एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। ठीक है, और देखते हैं कि ये नींबू में क्या है। ये नींबू को मैंने निचोड़ दिया और इसके बाद हम देखते हैं और क्या देखें। हाँ, ये मैं लाया हूँ एक टूथपेस्ट। ठीक है, तो टूथपेस्ट को भी हम चेक करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। थोड़ा सा मैं टूथपेस्ट इसमें डाल देता हूँ और इसमें मैं इसका एक सॉल्यूशन बना लूँगा गया, और ये अंदर आ गया। टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं ना घर में, तो देखेंगे कि टूथपेस्ट में क्या होता है, और इससे हमें पता भी लगेगा हम टूथपेस्ट इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ पानी, जिससे कि इसका सॉल्यूशन बन जाए, और थोड़ा सा इसको मैं घोल देता हूँ, और जिससे कि थोड़ी देर में इसका अच्छे सॉल्यूशन बन जाए। और क्योंकि भैया हमें पीएच वैल्यू निकालनी है तो थोड़ा सा सॉल्यूशन तो बनाना ही पड़ेगा। आपको पता होगा कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पी फॉर पोटेंट और एच फॉर हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोजन की पावर को बताता है उसको बोलते हैं पीएच, है ना। किसी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में है और हाइड्रोक्साइड आयन OH जो आयन होते हैं वो कम मात्रा में है तो हम उसको बोलते हैं एसिड, और अगर H आयन कम मात्रा में है, कम संख्या है उनकी, यानी कि हाइड्रोजन आयन्स की और OH ज़्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे बेसिक यानी क्षारीय है, और अगर दोनों बराबर मात्रा में है, H और OH दोनों बराबर मात्रा में है, तो वो बन जाता है सॉल्ट, है ना। तो अभी हमने इसको बना लिया, देखो अच्छे अच्छी के दिन थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है, हाँ हमारे पास है ये एक साबुन। तो साबुन को मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ जिससे कि साबुन से थोड़ा घुल जाए इसमें, और हमें पता लग जाएगी अभी क्या चीज़ है इसमें, साबुन में क्या है। देखो अभी थोड़ी देर इसको रख देते हैं, वाह, तो ये हमने इसको साबुन को इसमें डाल दिया। ठीक है, थोड़ी देर इसको इसमें रहने देते हैं। और अब है मेरे पास, ये है मेरे पास, देखो भाई एक ये लाया हूँ मैं टॉयलेट क्लीनर। ठीक है, तो टॉयलेट क्लीनर इसमें डाल देता हूँ, डाल दिया, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देता हूँ, ये पानी डाल दिया, और उसको भी थोड़ा सा हिला देता हूँ, ये हिला दिया, और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि इसका एक सॉल्यूशन बन जाए और उसको हमें उसकी पीएच वैल्यू जानने में आसानी रहे। ये हाँ ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 चीज़ें हुई, अब क्या डालें, अब डाल देते हैं, चलो ये डाल देते हैं हम, थोड़ा नमक भी है मेरे पास, ठीक है नमक डाल देते हैं। तो नमक ऐसा करते हैं, नमक इसी में घोल लेते हैं, है ना। हाँ ये नमक है मेरे पास, नमक में पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, ये लो भाई नमक में पानी डाल दिया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये एक मेजरमेंट है, मोटा मोटा एक आइडिया लग जाएगा हमको कि किस चीज़ में कि कोई सोल्यूशन क्या है, किस चीज़ में क्या होता है, एसिड है कि बेसिक है, उसका नेचर कैसा है। और अब मेरे पास थोड़ी चीनी, तो थोड़ी चीनी मैं भी मैं थोड़ा पानी डाल देता हूँ, इन लोगों भी पानी डाल दिया, और इसको भी मैं ज़रा हिलाकर इसका भी एक सोल्यूशन बनाना छोड़ देता हूँ,
इसको हम साइड कर देते हैं, इसमें अच्छे से बन जाएगा क्या? चलो छोड़ो, इसमें बना लेते हैं। तो ये इसको बना लेते हैं, यहाँ देता हूँ, ठीक है। तो ये भी मेरे पास हो गया, एक चीनी का सर इसमें बनाया, नमक हो गया, चीनी हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, साबुन हो गया, और ये क्या था, हाँ ये हो गया टूथपेस्ट, और ये है नींबू, ठीक है। तो हमारे पास तीन छः चीज़ें हो गई, सही है। अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये है मेरे पास एक पीएच पेपर, ठीक, और इसके मैं एक एक पीएच पेपर निकाल लेता हूँ। एक इसके लिए हो गया, ये एक इसके लिए हो गया, तीन, ये चार, ये पाँच, और ये छः, ठीक है। फटाफट टेस्ट करते हैं इसको, देखते हैं कि इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, और इससे हम कंपैरिजन कर लेंगे, मिलाएं मिलाएंगे कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी। देखो ये भी येलो कलर का है, देखते हैं कैसा चेंज होता है इसका कलर। देखो भाई, इसका कलर जो है ये थोड़ा रेडिश टाइप का हो गया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि किससे मैच करता है। ये जो नंबर वन है, ये तो बहुत ज़्यादा डार्क है, डार्क रेड है, और इसका जो मैच कर रहा है लगभग 3 से मैच कर रहा है। तो ये जो ऑरेंज कलर का है तो उससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब इसका पीएच कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। यानी कि हम समझ जाएंगे कि भाई 1 से लेकर 6 किसका पीएच वैल्यू होती है, एसिड की होती है, यानी कि नींबू में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। ये हम रख देते हैं, इसको कहाँ रखें, यहाँ रख देते हैं, इसे आप देखते रहो, ठीक है। अब ये दूसरा हम देखते हैं, ये क्या था, ये था टूथपेस्ट का हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब टूथपेस्ट को देखते हैं क्या है इसमें, मोटा मोटा पता जाएगा कि अगर मैंने टूथपेस्ट में हमने डाला है तो ये बहुत ही लाइट, ये जो है ग्रीन टाइप का, ब्रिंजल कलर का जैसा कुछ हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका कलर। और आप देखोगे कि मैं आपको अगर दिख पाया आपको, तो इसका कलर लाइट जो सबसे 8 से 9 के बीच में जो है लगभग, उससे अगर मैच करता हुआ देखो, हल्का, यानी कि ये ग्रीन भी नहीं कहेंगे इसको, और बिल्कुल ब्लू भी नहीं है, ये इंडिगो भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 8-9 के लगभग, 8 और 9 के बीच का है। तो अगर हम इसको 8 मान लें या फिर 9 मान लें तो ये कैसा हो जाएगा, यानी कि ये 7 से आगे है, यानी 8-9 की तरफ को है, तो ये 8 से लेकर 14 तक क्या होता है, 8 से 14 तक क्या होता है, बेस, यानी क्षार। तो ये क्षारीय माध्यम एक दिखा रहा है हमको कि ये क्षार, यानी कि टूथपेस्ट में हमारा क्षार होता है। टूथपेस्ट में क्षार क्यों होता है, बेस क्यों होता है, क्योंकि हमारे मुंह में जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में क्या होता है, खाने के टुकड़े फंस जाते हैं। और वैसे देखा जाए तो बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, हमारा टूथ होता है, टूथ का एनिमल होता है, और उसको वो जो एसिड हम लोग खाना खाते हैं ना, उसमें एसिड बनता है, जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं कई सारे, और वो उसका एसिड बना देते हैं, तो भाई दांत खराब होने लगते हैं। एनिमल एसिड इतना खतरनाक है कि हमारे हार्डेस्ट पार्ट को भी वो गला सकता है। तो इसीलिए हम उसको पेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं शाम को या सुबह, जिससे कि हमारा जो एसिड है हमारे दांतों में या मुंह में वो ख़त्म हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। और फिर हम उसको इसीलिए बोलते हैं बाबा खाना खाने खुला करो खुला करो। तो आप समझ गए होंगे कि ये हम लोग टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है, इसलिए हम टूथपेस्ट करते हैं, जिससे कि एसिड हमारे मुंह का ख़त्म हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो ये इसको रख देते हैं थोड़ा सा, आपको देखो कंपैरिजन दिख रहा होगा आपको कि ये तो ऑरेंज कलर का हो रहा है, मगर ये जो है हल्का ग्रीनिश या ब्लूइश टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ रख दिया, ये ग्लास रख देते हैं, अब हमारे साबुन का पानी है, साबुन को मैं अलग कर देता हूँ। आ जा भाई, तो आ गया, ठीक है। इसको मैच करते हैं इससे, ग्रीन कलर लिया हुआ, तो यानी ये भी बेस की तरफ हो जा रहा है, यानी ये भी बेस है, साबुन भी एक तरीके का बेस है, यानी क्षार है, ठीक है। रख देता हूँ थोड़ी देर में, और कलर उसका सही हो जाएगा। अब हम ये हमने डाला था, इसमें हमने डाला था टॉयलेट क्लीनर, तो टॉयलेट क्लीनर का कलर देखते हैं हम। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया होगी, देखो कितना कलर अच्छा आया, ये भी बिल्कुल ऑरेंज कलर का ही लग रहा है मुझे। तो ये ऑरेंज कलर का, इसका मतलब इसका 3 नंबर है, तो 3 नंबर है, तो ये भी एक एसिड हुआ, है ना, यानी कि टॉयलेट क्लीनर में एसिड होता है। और हम देखते हैं कि चीनी के घोल की
जो प्रकृति है वो कैसी है, नेचर कैसा है। और मैं ऐसा करता हूँ कि इसको पीएच पेपर को थोड़ी देर इसमें डाल के रख देता हूँ, जिससे कि ये अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाए। और एक पीएच पेपर हम इसमें नमक के घोल में भी डाल के रख देते हैं, थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे कि इनका कलर कैसा होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बच्चों, आपको ये पीएच टेस्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा, और क्योंकि हम अभी लैब में नहीं हैं, घर में हैं, तो हो सकता है कि कुछ हमारे रिजल्ट्स को थोड़ा सा अंतर वैरी कर रहे हों, मगर मोटे मोटे तौर पर हम समझ गए हैं कि पीएच टेस्ट कैसे किया जाता है और कलर वेरिएशन कैसे आता है और पीएच स्केल क्या होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।